नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके सक्सेना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गई है। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर के गांधी नगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 UN मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वे 100 साल की थी और मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत बताई जा रही थी। 25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह 5:30 रुड़की के पास एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है जा रही थी। वह कार से अपने घर उत्तराखंड जा रहे थे। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मतपुर झाल के मोड़ पर उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर के रेलिंग से जा टकराई, जिसके बाद कार में आग लग गई और वह पलट गई। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म पठान के कुछ सीन में बदलाव हो सकता है। पठान के गाने बेशर्म रंग पर विवाद चल रहा है, इसलिए सेंसर बोर्ड ने इसमें बदलाव के सुझाव दिए हैं। बोर्ड के चेयरपर्सन प्रसून जोशी ने कहा, हमने मेकर से कहा है कि वे फिल्म की रिलीज से पहले रिवाइज वर्जन हमारे पास सबमिट करें। पठान 25 जनवरी को रिलीज होनी है। कांग्रेस ने दिल्ली में राहुल गांधी की सुरक्षा चूक मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत की थी। साथ ही केंद्र सरकार से राहुल की सुरक्षा की मांग भी की थी। इसको लेकर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में राहुल की सुरक्षा चूक में कई बार चूक हुई है। सुप्रभात, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।